सबा इब्राहिम आज YouTube का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई जानता है। इनके YouTube व्लॉग सभी को बेहद पसंद आते हैं और इन दिनों सबा अपनी शादी की वजह से खूब चर्चा में बनी हुई हैं, जहां लोग इनके व्लॉग्स पर व्यूज़ के साथ साथ खूब सारा प्यार भी दे रहे हैं। और बहुत लोगों के मन में तो इनके हस्बैंड के लिए काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जहाँ लोगों का कहना है कि सबा एक स्टार हैं और वो एक आम आदमी से शादी कर रही हैं, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है और ना ही बहुत अच्छी जॉब करता है। लेकिन फिर भी सबा एक ऐसे व्यक्ति से क्यों शादी कर रही हैं, और कैसी सबा जो एक टाइम पर 8-10 हज़ार की नौकरी किया करती थी, वो आज इतनी फेमस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बन चुकी हैं, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस सेलिब्रिटी सबा इब्राहिम के बारे में, जानेंगे इनके प्यार और शादी की इस कहानी के बारे में, और क्यों सबा ने बेहद सक्सेसफुल होने के बावजूद एक आम लड़के को ही अपना लाइफ पार्टनर चुना, जो कि आज के टाइम पर बहुत ही कम लोग करते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत लोग कामयाब होने के बाद अपना पुराना पास्ट भुला देते हैं और एक बेहतरीन और पैसे वाले की तलाश में निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कामयाब होने के बाद भी अपने पहले और बचपन के प्यार को कभी नहीं भूलते। और वैसी ही कुछ लव स्टोरी है सबा इब्राहिम की भी। सबा का जन्म 23 दिसंबर 1993 को भोपाल के एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ था, और वहीं कुछ टाइम बाद इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इनके भाई को एक्टर बनना था, जो कि आज बहुत पॉपुलर फेस हैं, शोएब इब्राहिम और इनकी भाभी दीपिका इब्राहिम। और कुछ साल पहले तक सबा को भी लोग इनके भाई भाभी की वजह से ही जाना करते थे, और सबा की कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं थी। सबा ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अपने ग्रेजुएशन में आते ही जॉब करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो एक बुटीक पर जॉब करती थी और उन्हें 8-10 हज़ार रुपये महीने का मिलता था, और अपने काम के सिलसिले में इन्हें बहुत बार कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता था, जिस वजह से इन्हें अपने भाई भाभी से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा नहीं कमा पाती थी। लेकिन सबा हमेशा से ही बहुत पैशनेट रही हैं, ये हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहती थी, जैसे इनके भाई शोएब इब्राहिम थे, जिन्होंने अकेले अपने दम पर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी और इतना नाम कमा लिया था। ये अपने भाई से बहुत इंस्पायर होती थी और इस वजह से इन्होंने डम स्मैश पर वीडियोज़ बनाना शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने म्यूज़िकली टिकटॉक पर भी वीडियोज़ बनाई, और तभी 2017 में सबा को YouTube के बारे में पता चला। सबा ने YouTube अकाउंट बनाया और उस पर व्लॉग वीडियोस बनाने लगी, और क्योंकि सबा के भाई भाभी काफ़ी पॉपुलर थे और सबा भी YouTube वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत करती थी, और इसी कारण इन्हें अपने YouTube पर लोगों द्वारा काफ़ी सपोर्ट मिला, और जो शोएब और दीपिका के फैंस थे उन्होंने भी सबा को भरपूर प्यार दिया, जिस वजह से सबा का YouTube काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और आज सबा एक यूट्यूब सेंसेशन बन चुकी हैं, जिनके आए दिन वीडियोस ट्रेंडिंग सेक्शन में लगे रहते हैं, और ये आज अपने भाई भाभी जितनी ही पॉपुलर हो चुकी हैं। और सबा से कई बार इनके यूट्यूब फैंस द्वारा सवाल पूछा गया कि इनकी लाइफ में कोई है या वो सिंगल हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में सबा खुल के कोई आंसर नहीं देती थी। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी कि उनकी लाइफ में कोई है, लेकिन साथ ही वो कहती थी कि जब सही समय आएगा, जब टाइम होगा, वो खुद बता देंगी। दरअसल सबा पिछले 7 सालों से सनी यानी खालिद न्याज के साथ रिलेशनशिप में थी, जो कि इनके होम टाउन भोपाल से ही बिलोंग करते हैं, और सबा जब खालिद से मिली थी और जब उन्हें प्यार हुआ था, तब वो कुछ भी नहीं थी। सनी ने एक आम लड़की से ही प्यार किया था और सबा ने भी उस वक्त एक आम लड़के को ही पसंद किया था। और जब सबा ने अपने यूट्यूब के द्वारा कामयाबी हासिल की, और क्योंकि उनके भाई भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो वो जानती थी कि शायद उनकी फैमिली सनी को एक्सेप्ट ना करे, इसलिए वो ओपनली अपने रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। और एक बार जब सबा ने शोएब से सनी के बारे में डिस्कस किया, और तब शोएब एक प्रोटेक्टिव भाई की तरह अपनी बहन के लिए सोचने लगे कि शायद उनकी बहन सनी के साथ खुश ना रह पाए, क्योंकि ना तो वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और ना ही कोई एक्टर सेलिब्रिटी थे, वो एक आम इंसान थे जो कि एक नॉर्मल सी जॉब करते थे, और कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उनकी कामयाब बहन ऐसे ही किसी लड़की से शादी कर ले। ये बात सबा बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए सबा ने सनी को जॉब के लिए कहा, और सनी भी अपना करियर बनाने के लिए दुबई चले गए। दुबई जाकर सनी ने काफ़ी मेहनत की और सबा को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, जिसके बाद शोएब को लगा कि सनी उनकी बहन सबा से सच्चा प्यार करते हैं। उन्होंने सबा और सनी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, और जो चीज़ सबा के भाई शोएब को लगी थी, वही सबा के फैंस सबा के लिए सोचने लगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद सबा एक आम लड़की से शादी कर रही हैं, जिसके जवाब में सबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि वो सनी से प्यार करती हैं, और अब से नहीं, 7 साल पहले से।
और सनी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तब सनी ने सबा की कामयाबी को देखकर प्यार नहीं किया था। उस वक्त सबा कुछ भी नहीं थी और सनी ने भी एक आम लड़की से ही प्यार किया था, तो उनके मन में कोई ऐसा लालच नहीं था कि सबा सेलिब्रिटी बन जाएंगी। वो तो सबा अपनी कड़ी मेहनत और हार्डवर्क से ही अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना चुकी हैं, और इसलिए ही उन्होंने अपने प्यार सनी को दुबई से बुला लिया और मुंबई में ही सनी और अपने लिए एक आशियाना बना लिया। क्योंकि सबा अपने भाई भाभी और अपनी फैमिली को छोड़कर भोपाल नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से सबा ने बहुत कड़ी मेहनत कर उसी बिल्डिंग में 9th फ्लोर को अपने और सनी के लिए खरीद लिया। वेल यार, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बहुत ही कम लोग सबा जैसे होते हैं जो अपने प्यार को कामयाब होने के बाद भी नहीं भूलते हैं। और लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक लड़का लड़की के लिए कुछ कर सकता है तो एक लड़की भी अपने प्यार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो यार, मेरी तरफ से तो सबा के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत सारी विशेस, क्योंकि हाल ही में उनकी शादी अपने प्यार सनी से होने वाली है और शादी की सारी तैयारियां आप सबा के चैनल पर देख सकते हैं। सबा आए दिन अपनी शादी को लेकर व्लॉग शेयर करती रहती हैं, जो कि देखने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। वेल, सबा आप ऐसे ही कामयाब होती रहें और बहुत आगे जाएं, इसी विश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। दोस्तों, आपके अगर कहना है सबा और सनी की इस लव स्टोरी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट रीड करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप क्या सोचते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। वादे तो बहुत किए होंगे सबने, साथ जीने मरने के दिखाए होंगे सपने, लेकिन उनमें से कोई निभाएगा, कोई तोड़ जाएगा और कुछ इल्ज़ाम हालात को दिया जाएगा। अच्छा, हालात की बात निकली है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हालात और मजबूरी को बहुत इल्ज़ाम दिया जाता है, हालात और मजबूरी को बहुत इल्ज़ाम दिया जाता है, लेकिन दिल से मोहब्बत करने वाला हर हाल में निभा जाता है।